नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शिमला और दिल्ली के बीच उड़ान सेवा 2 वर्ष बाद फिर शुरू। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से सीधा प्रसारण। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमरीकी विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने रूस की नागरिकता ली। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने छोटे ग्रहों के टकराने से धरती की रक्षा के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंच गए हैं। वे आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाएगी। एक रिपोर्ट। एक दशक से भी लंबे समय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच हुई कई मुलाकातों के जरिए दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती का एक अटूट संबंध विकसित हुआ था। दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिंजो आबे ने भारत में हाई स्पीड रेल के सपने को साकार करने में अहम योगदान दिया था। उनके योगदान से क्वाड, आसियान, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को भी काफी फायदा हुआ। शिंजो आबे की अंतिम यात्रा में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रीमती आबे और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को संबोधित ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा समर्थक बताया और कहा कि शिंजो आबे की परिकल्पनाओं के अनुसार भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने के लिए कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने 9 जुलाई को उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत में विशिष्ट सामरिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने और संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जापान भारत के विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सामरिक साझेदारों में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ऑल्सो हैव अ ब्रीफ bilateral meeting with Prime Minister Kishida. The discussion will take account and will take a very quick overview and assessment of the overall relationship, its current status, its trajectory, its progress, and the measures that they both need to take to progress it further, as also use this occasion of their meeting between the two Prime Minister to reaffirm their continuing commitment and the strong efforts that stakeholders on both sides continue to make to promote and progress this relationship further. भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बल आज काठमांडू में 6वीं वार्षिक समन्वय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में सीमा पर अपराधों को मिलकर रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के महानिरीक्षक हिस्सा लेंगे। बैठक आज से बृहस्पतिवार तक चलेगी। 3 दिवसीय बैठक दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा समय पर सूचना साझा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
देशभर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट, आजादी का इतिहास डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाए ढेरों इनाम। जागृति का कहना है कि ग्राहक दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग उपभोक्ता आयोग में कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण में किया जाता है। राष्ट्रपति हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिण क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे। श्रीमती मुर्मू आज सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी और शाम को राज्य सरकार द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कर्नाटक में धारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान युवाओं को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां के छात्र कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, डेटा साइंस, डिजिटीकरण, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध तथा अनुसंधान कर सकते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ट्रिपल आईटी धारवाड़ शिक्षा के द्वारा हमारे राज्य का भविष्य तैयार कर रहा है। मुझे विश्वास है कि ये कैंपस विद्यार्थियों को अच्छी तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन को एक नई दिशा देगा। ये संस्था आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की क्षेत्र श्रेणी में शामिल है। इस सफल प्रयास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हुबली धारवाड़ नगर निगम ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने इसे सभी देशवासियों का सम्मान बताते हुए कहा कि हुबली धारवाड़ के लोगों ने ओडिशा के एक साधारण परिवार से आने वाली महिला को सम्मानित किया है और ये देश की सभी महिलाओं को सम्मानित करने जैसा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर देश के सभी नागरिक आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख तथा सिडबी और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इनमें स्टैंड अप इंडिया, ऋण विस्तार गारंटी योजना और उद्यम पूंजी निधि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इनके अलावा सरकार ने समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास पर भी बल दिया है। समीक्षा बैठक में आरक्षण, रिक्त पदों और शिकायत निपटान तंत्र के कामकाज पर भी ध्यान दिया जाएगा। विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये विस्तार अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि निर्यात संवर्धन परिषद और बड़े निर्यातकों ने इस बारे में अनुरोध किया था। निर्यातकों और उद्योग जगत ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में उतार चढ़ाव को देखते हुए सरकार से नीति की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। विदेश व्यापार नीति 2015-20 वर्ष 2015 में लागू की गई थी। ये नीति प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वस्तु और सेवाओं का निर्यात तथा व्यापार सुगमता बढ़ाने पर बल देती है। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे आज सुबह गांधीनगर के कलोल में 750 बिस्तरों के ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। श्री शाह गांधीनगर में अंडरपास का उद्घाटन करेंगे तथा लेकवाड़ा में गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे। गृहमंत्री गांधीनगर के अम्बोध में महाकाली मंदिर के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे तथा वरदायिनी और बहु
प्रमुख चरजी माता मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। शिमला और दिल्ली के बीच हवाई सेवा 2 वर्ष के अंतराल के बाद कल फिर शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब्बरहट्टी में शिमला हवाई अड्डे से अलायंस एयर के विमान को झंडी दिखाकर नियमित उड़ान सेवा की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए हवाई सेवा एक बड़ी चुनौती रही है और राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से करीब 2 वर्ष तक विमान शिमला हवाई अड्डे से उड़ान नहीं भर पा रहे थे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से अलायंस एयर सप्ताह के 7 दिन शिमला और दिल्ली के बीच विमान सेवा संचालित करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना के अंतर्गत 50% सीटों का किराया सब्सिडी के साथ 2,480 रूपये होगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को और प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही आज से सीधा प्रसारण होगा। इसे उच्चतम न्यायालय की प्लेटफॉर्म webcast.gov.in SC इंडिया पर देखा जा सकता है। आज 3 संविधान पीठों की सुनवाई चलेगी, जिनमें प्रवेश और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा मंजूर करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट और दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई होगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जबकि न्यायमूर्ति संजन किशन कौल की पीठ दिल्ली में प्रशासनिक सेवा नियंत्रण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितता के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार रोधी शाखा विभिन्न राज्यों और संयुक्त अरब अमीरात में पैसों के लेनदेन में घोटाले से जुड़े इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने दावा किया है कि एक राजनीतिक पार्टी भी इस मामले में छानबीन के दायरे में है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राजस्व विभाग के उप संभागीय मैजिस्ट्रेट की शिकायत पर वर्ष 2016 में मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि वक्फ बोर्ड के विभिन्न पदों पर मनमाने और गैर कानूनी ढंग से नियुक्तियां की गईं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शिमला और दिल्ली के बीच उड़ान सेवा 2 वर्ष बाद फिर शुरू। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से सीधा प्रसारण। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अमरीकी व्हिसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने रूस की नागरिकता ली। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने छोटे ग्रहों के टकराने से धरती की रक्षा के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वाशिंगटन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑनसन से मुलाकात की।
डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग वर्तमान भारत अमरीका साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। दोनों नेताओं ने नीतिगत आदान प्रदान, अंतर संचालकता, रक्षा संबंधी व्यापार, सैन्य अभ्यास और सैन्य औद्योगिक सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों, समुद्री चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी खुफिया जानकारी देने वाले विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन को रूसी नागरिकता प्रदान कर दी है। ये आदेश कल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया। पहले अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी में कार्यरत रहे स्नोडेन अमरीकी सरकार के निगरानी कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेज लीक होने के बाद से 2013 से रूस में रह रहे हैं। उन्हें वर्ष 2020 में स्थायी आवासन की मंजूरी दी गई थी और कहा गया था कि वे अपनी अमरीकी नागरिकता छोड़े बिना रूसी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्टेड डॉट अंतरिक्ष यान की डिमोरफोस नाम की एक क्षुद्र ग्रह से टक्कर का परीक्षण सफल रहा है। कल रात इस अंतरिक्ष यान की 160 मीटर लंबे एस्ट्रॉयड से टक्कर हुई। 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह अंतरिक्ष यान 9,60,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एस्ट्रॉयड से टकराया। विशेष प्रयोजन से किए गए इस परीक्षण का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी की जांच करना था, ताकि पृथ्वी को भविष्य में उसकी तरफ आने वाले शुद्ध ग्रहों की टक्करों से बचाया जा सके। और अब सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्वच्छ भारत ट्रैकेथॉन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक अनूठी पहल के तहत स्वच्छ टॉय कैथोन की शुरुआत की है। दरअसल खिलौनों की बढ़ती मांग और इससे पैदा होने वाले कचरे को लेकर ये एक अहम प्रतियोगिता है, जिससे कि इस दिशा में समाधान तलाशने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिसमें ड्राई वेस्ट से खिलौनों के डिजाइन तैयार करने पर फोकस है, जिससे कि इन खिलौनों को बड़े स्तर पर तैयार करके इससे पैदा होने वाले कचरे को कम किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में हम देखें तो इस बात पर बल दिया गया है कि शहरों में बढ़ते कूड़े कचरे को सस्टेनेबल तरीके से उसका समाधान निकाला जा सके। ऐसे में जो स्वच्छता टॉय कैथॉन जैसी गतिविधि है, किस तरह से स्वच्छ भारत के मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में इस तरह की गतिविधियां मददगार साबित हो रही हैं? बहुत अनोखे तरह की प्रतियोगिता शुरू हो रहा है और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत है। दूसरे चरण में ये हुआ है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को उसका प्रबंधन होगा। 80% जितना टॉयज होता है ज्यादातर प्लास्टिक से बनता है। ये टॉयज जो टॉयकाथन है, जो शुरुआत किया गया, अभी 2-3 महीना तक इसका पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा, उसमें टॉय इंडस्ट्री वाले हो, स्टार्टअप वाले हो, यंग हो, ग्रुप्स हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, एनजीओज हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसका पार्टिसिपेट करके जो इसमें है कि फन एंड लर्न और न्यू फ्रॉम ओल्ड, पुराने से नया चीज निकालना और तरह तरह के टॉय बैंक्स बनाना या टॉय की जो लाइब्रेरीज बनाना, ये एक अलग तरीके से मामला को अप्रोच करने वाली बात है, क्योंकि सारे उसमें वेस्ट का भी निपटान होगा और एक टॉय का एक अलग तरह का खूबसूरती आएगा जो कि वेस्ट से बनकर आएगा। आप और हम जानते हैं कि वेस्ट से एनर्जी बनता है, वेस्ट से कंपोस्ट बनता है, लेकिन वेस्ट से टॉय बनने का जो बात है वो एक बहुत अनोखा चीज है। बिल्कुल, उससे मुझे लग रहा है कि कितने तरह ये स्वच्छता की सोच आगे बढ़ रहा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंट को भी ये सपोर्ट करेगा। अभी इसी साल सरकार ने स्वच्छता को लेकर एक स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया था, जिसमें कि कूड़ा कचरा कैसे निपटाया जाए, इसका क्या समाधान निकाला जाए, इसकी एक बड़ी प्रतियोगिता थी और इसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स अपने विचारों के साथ सामने आए। तो जिस तरह से कचरे की रिसाइकिलिंग को लेकर या उसके रियूज को लेकर सरकार युवाओं की सोच के साथ आगे चल रही है, उससे कैसे हम स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को आगे देख सकते हैं? ये जो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है जी, उसमें करीब 250 स्टार्टअप भाग लिए और उसमें पहले 30 को चुना गया, फिर फाइनली 10 को चुना गया और सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा और मदद किया जाएगा कि उनको जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटी, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेशन जिनका पास कैपेसिटी है, जिनके पास स्टार्टअप यूज करने का तरीके है और उनके पास वजह भी है कि इनको यूज करें अपने जो एरियाज में, तो उनको जोड़ा गया है।
हमें अगर वेस्ट टू वेल्थ को सोचना है, वेस्ट टू वाव सोचना है और सर्कुलर इकोनॉमी को सोचना है, रिसाइकलिंग का नजर देना है, रिसाइकलिंग ही करना है, तो इंडस्ट्री और बिजनेस को आगे आना पड़ेगा और सरकार हो या बाकी संस्थाएं हो इनको ये मदद करना पड़ेगा और आइडियाज देना पड़ेगा निश्चित रूप से। और संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का एक टारगेट है, ऐसे में भारत का स्वच्छ भारत मिशन सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और 2026 तक ही हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत कचरा मुक्त शहरों का लक्ष्य रखा गया है और पहले ही हमने पहले चरण की सफलता को इस मामले में देखा है। कमल जी, अभी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है लेकिन जितना ही ओपन डेफिकेशन फ्री शहर और गांव करने में जितना गर्व हुआ है और जितना उसको टुंकाने वाला उपलब्धि हुआ है उतना ही होगा जब कूड़ा मुक्त शहर बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत टॉयकथॉन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। और अब आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के तहत आज की कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विश्व आपूर्ति श्रृंखला बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की दिशा में की गई पहल पर चर्चा करेगा। आज हम इस तथ्य को जानेंगे कि कोविड महामारी के दौरान भारत आत्मनिर्भर होकर कैसे उभरा। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की परिकल्पना को साकार करता है। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण और बड़ा हिस्सा बनाना तथा ऐसी नीतियों को लागू करना है जो प्रभावी, प्रतिस्पर्धी, लचीली और आत्मनिर्भर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को देश में कोविड महामारी से मुकाबले के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 और 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कृषि, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए कई उपाय किए। इस अभियान में गरीब, किसान और प्रवासी मजदूरों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। देश की आत्मनिर्भरता इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि मार्च 2020 से पहले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के शून्य उत्पादन से प्रतिदिन 5 लाख से अधिक पीपीई किट का उत्पादन करने की क्षमता देश में विकसित हुई। देश में कोविड महामारी की शुरुआत में एक ही जांच प्रयोगशाला थी जो बढ़कर 3,300 से अधिक हो गई है। भारत दुनिया भर में सबसे सस्ती आरटीपीसीआर जांच करता है। सरकार ने N95 मास्क, दवाइयां और भारत में
नई निर्मित वेंटिलेटर और उनकी उपलब्धता के लिए दिन रात कार्य किया। देश ने कोविड टीका विकसित करने और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। महामारी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए देश के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने सामूहिक तौर पर प्रयास किए। कोविड महामारी से लड़ने में भारत की इन उपलब्धियों को विश्व के नेताओं ने स्वीकार किया। दुनिया ने वैक्सीन मैत्री पहल के लिए भारत की प्रशंसा की, जिसके अंतर्गत भारत ने 100 से अधिक देशों को 2,544 लाख से अधिक वैक्सीन भेजी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आयात पर निर्भरता कम करने और अधिक मूल्य वाले सामानों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को विभिन्न औद्योगिक नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIRNewsAlerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से MyGOV फोरम पर चीतों से संबंधित 3 रोमांचक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का आग्रह किया है। ये प्रतियोगिताएं चीतों की पुनर्वास परियोजना को नाम देने, चीतों के लिए नाम सुझाने और जानवरों से अच्छे व्यवहार से संबंधित हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को चीतों को देखने की यात्रा का अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल शाम सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकवादी को मार गिराया। उसकी पहचान पाकिस्तानी नागरिक अबू हुरारा के रूप में हुई है। उसके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। और अब मौसम। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और फरहत, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, राजस्थान कांग्रेस के राजनीतिक संकट को आज के सभी अखबारों ने बड़ी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है सोनिया गुत्थी सुलझाने में जुटी, तो दैनिक भास्कर का शीर्षक है गहलोत का पर्चा आउट, आला कमान को संदेश, मैं नहीं तो सरकार भी नहीं। हरिभूमि के शब्द हैं डबल गेम बनाम डबल गेम, गहलोत को पैदल करने का कांग्रेस हाईकमान का खेल पलटा, अब गहलोत ने हाईकमान को किया पैदल। राजस्थान पत्रिका लिखता है कांग्रेस में समाधान बना संग्राम, नई मुसीबत सोनिया वर्सेस गहलोत। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं 3 शर्तों पर टिका है राजस्थान। उधर हिंदुस्तान की खबर है विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के अध्यक्ष बने रह सकते हैं नड्डा। नफरत फैलाने वाले 45 YouTube वीडियो और 10 YouTube चैनल प्रतिबंधित करने के सरकार के आदेश पर सभी अखबारों की नजर है। अखबारों ने इसे मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के नजरिए से झूठी और संवेदनशील खबरों पर सरकार का कड़ा रुख बताया है। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर विदेश मंत्री जयशंकर की अमरीका को 2 टूक सुनाने और FM-16 के पैकेज पर सवाल उठाने की खबर के साथ लिखा है ये अब किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को अमेरिका की मदद पर 2 टूक सवाल उठाया। अमर उजाला और हिंदुस्तान लिखते हैं आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी GPS नाविक से लैस होंगे सभी स्मार्टफोन, अभी समय सीमा तय नहीं लेकिन सरकार के कंपनियों को निर्देश 2023 से अनिवार्य करने की तैयारियां। अखबारों ने राष्ट्रपति मुर्मू के विश्व प्रसिद्ध मैसूरू दशहरे में हिस्सा लेने की खबर सचित्र दी है। जनसत्ता की खबर है दुर्गा पूजा पर रेल यात्रियों के लिए इस बार विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे, पूर्वी क्षेत्रों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए सुविधा, स्वादिष्ट बंगाली पकवान चखने का अवसर मिलेगा। कोलकाता में दुर्गा पंडालों में अमृत महोत्सव थीम पर रोशनी और सजावट को दैनिक भास्कर ने रंगीन चित्रों के साथ दिया है। देशभर में शक्ति की पूजा के पर्व में देवी दर्शन का सिलसिला शुरू होने पर कुछ अखबारों ने चित्र के साथ साथ विशेष आलेख दिए हैं। नवभारत टाइम्स ने शेयर बाजार में वैश्विक कमजोरी के संकेतों का भारतीय बाजार पर पड़ रहे असर को महत्व दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था
और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। शिमला और दिल्ली के बीच उड़ान सेवा 2 वर्ष बाद फिर शुरू। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्यवाही का आज से सीधा प्रसारण। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और अमरीकी विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन ने रूस की नागरिकता ली। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।